सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिनभर, मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। वापस आरती पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जागरूकता कार्यशाला का किया गया आयोजन। कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वैक्सीनेशन स्थल पर पहुंचे ग्रामीण विधायक ने वैक्सीनेशन के लिए लोगों को किया प्रोत्साहित। प्रभारी नगर आयुक्त ने नगर निगम परिसर में बन रहे निर्माणाधीन भवन का किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी का कोतवाली परिसर में हुआ उद्घाटन। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस ने 3 नाबालिग बच्चों को नशाखोरी से अवमुक्त कराते हुए एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। स्वास्थ्य विभाग ने महिला दिवस के अवसर पर कोविड वैक्सीनेशन के लिए शहर में बनाए 4 बूथ। महिला दिवस के अवसर पर SDM सदर की पहल पर आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने के लिए महिलाओं को किया गया जमीनों का पट्टा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कैंपियरगंज थाने पर महिला रिपोर्टिंग चौकी का पुलिस अधीक्षक उत्तरी की मौजूदगी में हुआ उद्घाटन। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी की मौजूदगी में बांसगांव थाने पर रिपोर्टिंग पुलिस महिला चौकी का हुआ उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग द्वारा रंगोली और पोस्टर प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। DVNPG कॉलेज में एक शाम नारी शक्ति के नाम कार्यक्रम का हुआ आयोजन। चंद्रकांती रमावती देवी आर्य महिला PG कॉलेज की छात्राओं ने निकाला जन जागरूकता रैली। पत्रकार वार्ता कर अनुसंधान एवं विकास केंद्र के अध्यक्ष ने कहा, अधिक जिंक वाली गेहूं की नई प्रजाति CRD गेहूं 1 से किसानों को होगा फायदा। धर्म जागरण विभाग महानगर गोरक्ष प्रांत द्वारा आजाद नगर पानी टंकी के पास 10 मार्च से 3 दिवसीय सामूहिक शिव पूजन एवं रुद्राभिषेक कार्यक्रम का होगा आयोजन। और जिला फुटबॉल संघ के सौजन्य से गोरखपुर व महाराजगंज जनपद के मध्य बालिकाओं की हुई फुटबॉल प्रतियोगिता।